Kusum. हेलो ईशा, ईशा मैं कुसुम बोल रही हूँ। कौन कुसुम? तुम ईशा ही बोल रही हो ना? ईशा मैं कुसुम। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कुसुम, सॉरी, मैं सो रही थी। क्या हुआ? ईशा अब है अब तक घर पर नहीं लौटे। पता नहीं कहाँ गए होंगे। मैं बहुत परेशान हूँ ईशा। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कुसुम, तुम घबराओ मत। तुम घर पे ही रहो, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हें पिक करने। तुम तैयार हो के नीचे ही आ जाओ। मैं तुम्हारे घर के नीचे से बोल रही हूँ ईशा। कुसुम जी रोड वाली होगी। तुम वहीं रहो, मैं भी आ रही हूँ। वहीं रहना ओके? अभय वेकअप। कुसुम मैं तैयार हो रही हूँ, आ रही हूँ। जी मैम साहब। श्याम सिंह, क्या तुम्हारे साहब इतनी रात को कभी बाहर गए हैं? जी मुझे नहीं मालूम मैडम। अरे तुम्हारे साहब कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता? अभय वेकअप। ईशा जल्दी आओ ना, बहुत देर हो रही है। मैं तैयार हो रही हूँ। वेट, आई एम कमिंग। अभय वेकअप। हाँ कुसुम, मैं आ रही हूँ। ओके, आई एम कमिंग। कुसुम मैं आ रही हूँ, मैं निकल चुकी हूँ। ईशा कितनी देर लगा दी तुमने? चले? हाँ एक ग्लास पानी देना। जल्दी करो ना ईशा। घड़ी तो अभय की है, ये यहाँ कैसे आई? भूल गए थे, वो उस दिन आए थे ना तो हाथ धोने के लिए उतारे थे, यही रह गई। अब चले प्लीज, जल्दी करो। एक तो मेरा मोबाइल टूट गया और जब मैं दूसरा मोबाइल लेने गई तो मम्मी जी को कुछ बता भी नहीं सकी। हम वहाँ परेशान हो जाते। अब इतनी रात को अभय को कहाँ ढूंढूं मैं? वापस पार्टी पे चलते हैं, हो सकता है अभी तक वही है। राम सिंह, पार्टी हॉल में चलते। शाम से यही रोक दो। चलो ईशा। वॉचमैन, यहाँ की पार्टी कब खत्म हुई? आपने मुझे अभय कपूर में देखा? मिस्टर मोहित के दोस्त।
अभय मैं ईशा बोल रही हूँ, कुसुम के साथ हूँ। इस हम लोग पार्टी के वेन्यू पे हैं, कुसुम तुम्हें ढूंढ रही है, बहुत परेशान है। गो होम नाउ अभय, जस्ट गेट होम नाउ, डू यू अंडरस्टैंड मी, गेट होम नाउ। ईशा, ईशा यहाँ की पार्टी कब की खत्म हो चुकी है और यहाँ के वॉचमैन को भी कुछ पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभय को क्या हुआ होगा? ईशा मुझे बहुत डर लगा। ईशा हमें पुलिस में कंप्लेन करनी है। नहीं, पुलिस में कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है अभय अपने किसी दोस्त के साथ कहीं चले गए हों, या फिर हो सकता है अब तक तो वो घर भी पहुंच गए होंगे। Listen, अगर सुबह तक अभय घर नहीं पहुंचे, we will report to the police. Okay? Do you understand that? Relax. Let's go home and check now. I have a feeling he's going to be home. Come on, come on, come on. Let's go. घर चलो। चलो। पता नहीं मुझसे ऐसी गलती क्यों हो जाती है। मुझे अभय को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे हादसे कुसुम? अभय की जान को खतरा है, वो बार बार मौत के मुंह में जाके मर जाते हैं। अगर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होगा, ईशा कुछ नहीं होगा तुम्हारे अभय को। मेरा दिल कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और आई एम श्योर वो अभी तक घर भी पहुंच गए होंगे। रिलैक्स, थोड़ा बंद करो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे अभय को, कुछ नहीं होगा। अभय अब कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर ईशा मेरे साथ नहीं होती तो मेरे जाने क्या कर बैठती। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, लेकिन आप है कि कहीं मिलते ही नहीं। अभय आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? एक फोन कॉल कर लिया होता, मैं इतनी परेशान हो गई थी। कुसुम, वो मैं अपने दोस्त के यहाँ कर गया था। सॉरी, तुम बैठो, मैं पानी लेके आता। समझाओ मुझे, इस तरह परेशान ना करे। रात बहुत हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि तुम्हें घर छोड़ दे। अभय, एक मिनट। राम सिंह, राम सिंह, ईशा मैडम को घर पे छोड़ दे। जी मैम। Thanks. Good night. Good night. Good morning. Morning. अरे कहाँ चल दिए? बाहर देखने जा रहा हूँ, सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकला। आज तुम मेरे लिए चाय और ब्रेकफास्ट लेकर आ रही हो, कोई गलती तो नहीं हुई ना? इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की।
हमेशा नफरत भरी निगाहों से देखा। इतनी बुरी भी नहीं हूँ, काफी लविंग और केयरिंग हूँ मैं। Really? Good morning, sir. Good morning, Rahul. बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। तुम निकिता को पहले से जानते हो। अब निकिता मुझे कह रही है कि वो बहुत ही लविंग, केयरिंग और गुड नेचर्ड ह्यूमन बीइंग। मैंने ऐसे कोई पर्सनालिटी ट्रेट निकिता में देखी नहीं है। अगर तुमने पहले देखी हो तो बता दो। अगर मैडम का इतराज ना हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। मैडम को क्या इतराज हो सकता है? Come on, tell me. याद है कॉलेज में एक बार आप रात भर जागी थी? किसके लिए? मैडम का एक दोस्त था, उसकी तबीयत बहुत सख्त खराब हो गई थी। मैडम ने रात भर जागकर उसके सर की पट्टियां बदली थी। अब मैडम के इस बिहेवियर को आप केयरिंग नेचर कहेंगे या नहीं, ये आप ही अच्छी तरह जानते हैं। तो आपकी मैडम बिल्कुल सही कह रही है। राहुल, मैं सॉरी राहुल, आई फॉरगॉट। अरे निकिता, वो ड्रॉअर में 5,000 रुपए रखे हैं, वो राहुल को दे देना। किस लिए? किस लिए क्या, राहुल के बेटे की तबीयत खराब है, मेजर टेस्ट करवाने, इसलिए। अब मुंह क्या ताक रही हो, पैसे निकाल कर दे दो। हाँ। राहुल की शादी ही नहीं हुई तो बच्चा कहां से आ गया? Come on, निकिता, बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। You're not getting जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि वो झूठ बोलकर तुमसे पैसे ले गया। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, but it's quite possible। जैसे वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है, तुम उसके बारे में कुछ तो जानते हो। डोंट वरी, मैं तहकीकात कर रहा हूं। कौन कब कितना झूठ बोल के कितने पैसे ऐंठ लेता है कुछ पता ही नहीं चलता। आपसे बहुत जरूरी काम है। हाँ ठीक है, ओके बाय। तानिया, why don't you understand कि सही वक्त नहीं है? Someone hypnotism is a very dangerous experiment. और मैं अभी तक पूरी तरीके से सीख भी नहीं पाई हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। At this point of time, it's not very safe. I'm game. Love और जंग में सब जायज है। आज चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें सांगू को हिप्नोटाइज करना ही पड़ेगा और मेरे दिल की बात उसके दिल तक पहुंचानी पड़ेगी और उसे कहना होगा दैट आई लव हिम एंड हाउ। हाय। हाय सम, तुम बहुत सही मौके पर आए हो। सच? अच्छा, मैंने सुना कि तुमने नया पेट लिया है। सांगू, पेट्स की बातें बाद में करेंगे, अब प्यार की बातें करते हैं। प्यार की? प्यार सम्मोहन हिप्नोटिज्म मैं सीख रही हूँ ना आजकल, एंड आई वुड लव यू टू वॉलंटियर फॉर मी। देखो प्लीज सम, ना मत कहना प्लीज। तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंट विक्टिम वॉलंटियर मुझे कहाँ मिलेगा? और अगर मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया ना तो मैं किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती हूँ। आर यू विलिंग एंड रेडी फॉर इट? विलिंग एंड रेडी? अरे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो शुरू करते हैं। ओके ग्रेट, सिट सिट। सम, तुम्हें इस क्रिस्टल पर कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ ठीक है। दिस क्रिस्टल, ओके? कॉन्सेंट्रेट। सम, तुम्हें प्यार हो गया है। मुझे प्यार हो गया है? तुम्हें तानिया से प्यार हो गया है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम
तुम्हें तानिया से प्यार हो गया है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम तानिया को प्रपोज करोगे। मैं प्रपोज करूंगा। तुम तानिया को लव लेटर लिखोगे। मैं लव लेटर लिखूंगा। अब तुम खड़े हो जाओगे और फिर अपने घर जाओगे और बिल्कुल नहीं भूलोगे कि तुम्हें लव लेटर लिखना है। कि मुझे लव लेटर लिखना है। मैं प्रपोज करूंगा। मैं लव लेटर लिखूंगा। प्रपोज करूंगा। यस तानिया, मेरा काम बन गया। नॉट तानिया सिस्टर। ईशा, जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इसे नहीं होना चाहिए था। जिंदगी में चाहने से सब कुछ तो नहीं मिल जाता। अगर ऐसा होता तो आज हम इस मोड़ पे नहीं खड़े होते। चाहे तुम ठीक कह रही, इसलिए आज के बाद हम कल जो कुछ भी है उसकी बात नहीं करेंगे। जो बीत गए सो बीत गए। अब इन सब बातों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका नजर आ रहा है। एक दूसरे से दूर रहना और एक दूसरे के सामने ना आना। अगर भूल से नहीं भी गए तो जो कुछ भी हुआ उसे बुलाना होगा। हम सब के लिए यही बेटर होगा। ईशा, इस तरह की मुलाकात ये आज हमारी आखिरी मुलाकात होगी। गलतियों को दोहराने से क्या फायदा अगर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तन्हाई सही, अपनी तन्हाइयों के साथ जी लेंगे। आई थिंक हम सब के लिए यही बेटर होगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। सॉरी कुसुम। बस अब है, अब आगे कुछ मत कहिए। आपको पता है इंसान सॉरी तब कहता है जब उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो दोबारा अपनी मिस्टेक नहीं दोहराता। लेकिन आप हमेशा सॉरी सॉरी सॉरी। आपने तो इस शब्द का मजाक उड़ा के रखा है। जब आप मीन ही नहीं करते तो आप सॉरी कहते क्यों है? सही कह रही हूँ। मैंने खताई कुछ ऐसी की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। और जब माफी नहीं मिलती तो प्रायश्चित करना पड़ता है कुछ।